रक्षाबंधन के पर्व पर आज कोसी कला के प्रथम नागरिक नगर पालिका कोसी कला के अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल ने सैकड़ों बहनों से बंधवाई राखी। कोसी कला में पुलिस की आवाज न्यूज के लिए मनीष अग्रवाल की खास रिपोर्ट। आज रक्षाबंधन का एक पावन पर्व था जो एक बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे भाई की उम्र लंबी हो, किसी भी प्रकार की इसके साथ कोई भी मुसीबत ना आए, यह हमेशा खुश रहे। इसी रक्षाबंधन को लेकर आज कोसी कला के प्रथम नागरिक नगर पालिका अध्यक्ष कोसी कला के धर्मवीर अग्रवाल जैसे ही भातु कॉलोनी में पहुंचे तो वहां की छोटी छोटी बहनों ने उन्हें देखकर हक्का वक्का रह गईं। जब नगर पालिका अध्यक्ष धर्मवीर ने उनसे कहा कि क्या आप मुझे राखी बांधोगी तो वह खुशी का इजहार करती नजर आईं और छोटी छोटी बहनों ने नगर पालिका अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल को राखी बांधी और मिठाई खिलाई। जब हमने वहां पर उन छोटी छोटी बहनों से बात की तो उन्होंने कहा कि आज हमारी बस्ती में पहली बार नगर पालिका अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल आए हैं तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि यह हमारे यहाँ पहली बार आए हैं और हम पर राखी बंधवा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वाल्मीकि बस्ती और जाटव कॉलोनी में नगर पालिका अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल पहुँचे और छोटी छोटी बहनों से राखी बंधवाई और छोटी छोटी बहनों ने नगर पालिका अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल को मिठाई खिलाई। उससे कहा आप इसी प्रकार हर साल रक्षाबंधन पर हमारे यहाँ आकर राखी बनवाएंगे और आप हमेशा खुश रहें और आगे बढ़ें। जब हमने नगर पालिका अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल से बात की तो उन्होंने कहा हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा बहनों को आगे लाने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। जैसे रक्षाबंधन के पर्व पर पूरे उत्तर प्रदेश में बहनों और माताओं के लिए निःशुल्क उत्तर प्रदेश बस यात्रा का तोहफा दिया है, वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बेटियों के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। मुझे आज इन बस्तियों में आकर छोटी छोटी बहनों से राखी बनवाकर बहुत खुशी हो रही है और नगर पालिका अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल ने उन बच्चियों के माता पिताओं से कहा अगर आपकी बच्ची पढ़ने योग्य है और वह किसी कारण पढ़ने नहीं जा पा रही है तो उसको नगर पालिका इंटर कॉलेज में तुरंत एडमिशन दिलाएँ जिससे वह बच्चियाँ पढ़ें और अपने घर का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन करें। उन्होंने सभी बेटियों के उज्जवल भविष्य की कामना की और बड़े भाई होने के नाते सबको आशीर्वाद दिया। पूरे देश के अंदर परंपरागत तरीके से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है जिसमें हमारी बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं कलाई पर। तो आज नगरपालिका परिषद की हैसियत से भी और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की हैसियत से भी हमने ये प्रोग्राम मनाया कि आज भातु कॉलोनी, जाटव बस्ती, बाल्मीकि बस्ती सहित अपने नगर की कुछ ऐसी गलियों में अपनी बहनों से राखी बंधवाने का प्रोग्राम कराएं ताकि उनको भी एहसास हो कि नगरपालिका परिषद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। माननीय योगी जी की सरकार में वैसे हमारी बहनों की रक्षा के लिए जो कदम उठाए गए उससे मेरा पूरे प्रदेश की बहनों में एक नया उत्साह है। माननीय योगी जी ने इस अवसर पर रक्षाबंधन के अवसर पर बसों में निःशुल्क यात्रा करके बहनों के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसी के साथ माननीय मोदी जी भी अपनी मातृशक्ति को आगे लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं तो हमने भी ये सोचा कि छोटी सी भूमिका के चलते अपनी इन छोटी बहनों में एक उत्साह का वातावरण बनाएं ताकि ये सुरक्षित महसूस अपने आप को करें और साथ ही हम कोसी कला के विकास में सभी का सहयोग लेकर आगे चलना चाहते हैं। तो इसी के तौर पर आज भातु कॉलोनी, बाल्मीकि बस्ती, जाटव बस्ती आदि कॉलोनियों में जाकर हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है कि राखी बंधवा कर इन बहनों को आगे लाने का कार्य करें।